एम्परर खान। ये नाम शाहरुख खान पर बिल्कुल फिट बैठता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। शाहरुख की तूफानी सक्सेस को देखकर अब उनको ये न्यू नाम दिया गया है, क्योंकि पठान से 1055 करोड़ की कमाई के साथ शाहरुख ने जो हिस्ट्री बनाई है, उसके बाद से शाहरुख एक अलग ही मुकाम पर पहुंच चुके हैं। और यही गेम और नाम की लेगेसी को शाहरुख आगे भी बढ़ाते दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में शाहरुख 2 और बड़े बिग बजट मल्टी स्टारर फिल्में लेकर आने वाले हैं। लेकिन शाहरुख को ये नाम दिया किसने है, आइए जानते हैं। दरअसल शाहरुख के कमबैक के बाद पठान ने जो दहाड़ लगाई है, उसकी गूंज साल के 5वें महीने में भी बरकरार है। बॉलीवुड में आम, खास और हर एक शख्स के जुबान पर पठान का ही जिक्र रहता है। ऐसे में फिल्म के क्रिटिक और ट्रेड एनालिस्ट भी पठान को लेकर, शाहरुख को लेकर अपनी राय देते रहते हैं। और अब ट्रेड पंडितों ने शाहरुख का नामकरण भी कर दिया है और उनको एम्परर खान यानी सम्राट खान का टैग दे दिया है। बॉक्स ऑफिस पर 543.5 करोड़ रुपए की शानदार कलेक्शन करने वाले शाहरुख के बारे में ट्रेड पंडितों का कहना है कि शाहरुख इस समय टॉप पर हैं। वो सिंहासन पर बैठे हुए हैं, उन्होंने सिंहासन को फिर से हासिल कर लिया है। वो सिर्फ किंग खान नहीं है, आज की तारीख में वो एम्परर खान है, क्योंकि 1 से 5 तक की पोजीशन उन्हीं की है। जैसा कि अमिताभ बच्चन ने एक बार एक फिल्म के डायलॉग में कहा था, जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, तो आज जहां शाहरुख खड़े हैं वहां से लाइन शुरू होती है। इतना ही नहीं, शाहरुख इस पोजीशन के हकदार भी हैं। उन्होंने अपनी फिल्म का कोई प्रमोशन नहीं किया, कोई मार्केटिंग नहीं की, कोई इंटरव्यू भी नहीं दिया। वो एक शहर से दूसरे शहर भी नहीं गए, वो मॉल में भी नहीं गए, और ना ही उन्होंने लोगों को पकड़ पकड़ कर कहा कि उनकी फिल्म देखो। हमेशा फिल्म बोलती है, बॉक्स ऑफिस के आंकड़े बोलते हैं, और आखिरकार यही मायने रखता है। इस लिहाज से शाहरुख का तूफान आया और खूब छाया। ऐसे में शाहरुख अपनी ये आंधी आने वाली फिल्म जवान में भी कर सकते हैं, और डंकी को लेकर की भी यही उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि जवान 7 सितंबर को आने वाली है, जिसको लेकर बस पहले से ही हाई लेवल पर बना हुआ है। फिल्म में हर वो एक एलिमेंट है जिसे फिल्म को पसंद करने वाले की तादाद और भी बढ़ सकती है, और डंकी में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलने वाला है। बाकी शाहरुख ने बाकी फिल्मों के लिए प्रमोशन की स्ट्रेटेजी भी अलग किस्म की ही रखी है। कुल मिलाकर शाहरुख खान सच में आने वाले कुछ सालों तक अपना दबदबा कायम रखने वाले हैं, और एम्परर खान ही बने रहने वाले हैं। और इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए बॉलीवुड स्टार्स को बहुत जोर लगाना पड़ सकता है। फिलहाल तो शाहरुख की जवान और डंकी को लेकर लोग उतावले बैठे हैं, और फिल्म की एक झलक पाने के लिए भी बेकरार हैं। खैर, आप बताइए, आपकी नज़र में शाहरुख बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस के एम्परर खान हैं? और जवान डंकी से 1-1 हजार करोड़ की कमाई करके ये नाम, ये टैग शाहरुख बरकरार रख पाएंगे? बताइए अपनी राय नीचे कॉमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।